सो हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th बच्चा बड़ी, ये साल आप लोग की क्लास 10th ऐसे काफी डिफिकल्ट होने वाला है, काफी सारी मुश्किलें आप लोग को परेशानी का सामना करना पड़े, पर कैसे दीदी कैसे हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस क्लास में या फिर नहीं कर पाएंगे, चलिए जानते हैं। तो ही एवरीवन, दिस इज सकीना आली और कैसे बचावाटी आप सभी लोग। तो बचावाटी सबसे पहले बात करते हैं हाउ टू स्टार्ट क्लास 11th। अब आप लोग क्लास 10th से प्रमोट हो गए, क्लास 11th में आ चुके हैं। मुझे पता है अभी तक आप लोगों में से किसी ने पढ़ना लिखना स्टार्ट नहीं किया होगा, कुछ बच्चे ही ऐसे होंगे जो अपने गोल्स के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होंगे, फोकस्ड होंगे और उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी अभी क्लास 11th की। बाकी सभी बच्चे अभी वैकेशन मना रहे होंगे और इस टाइम पर बचावाटी आप लोगों को पढ़ने की काफी जरूरत है। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लास 11th में दीदी आ गए तो क्लास 10th से किस तरीके से डिफरेंट है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, क्लास 10th में तुम्हारे पास 5 सब्जेक्ट हुआ था, तब तुम्हारे पास सब्जेक्ट्स भी बढ़ गए, लोड भी बढ़ गया। वहां पर तुम्हारे पास सिर्फ एक बुक आती थी। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना, तो अगर फिजिक्स की बात करें तो 2 बुक्स, केमिस्ट्री 2 बुक्स, बायोलॉजी 2 बुक। अब आप लोग सोच सकते हैं आप लोग के पास इतना प्रेशर है आप लोग के ऊपर, कितना लोड आप लोग पर बढ़ चुका है। सबसे पहले बात करते हैं, सभी लोगों के मन में एक डाउट आता है, क्या दीदी हम लोग क्लास 11 बिना कोचिंग के क्लास की पास कर सकते हैं, से यस और नो। इसका जवाब तो आप लोग खुद से पूछ लीजिएगा। सबसे पहले मैं बताती हूँ, मैं दोनों आप लोग को प्रोस एंड कॉन्स बताने वाली हूँ कि कोचिंग जाते तो क्या होता है, नहीं जाते तो क्या होता है। कोचिंग जाने से सबसे पहले एक अच्छी चीज ये कि हमारे पास प्रॉपर स्केड्यूल बन सकता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलती कि हर कोई बच्चा जो भी नीट क्रैक कर रहा है, आईआईटी जेई क्रैक कर रहा है या फिर यूपीएससी क्रैक कर रहा है, सिर्फ कोचिंग जाकर ही कर रहा है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। मैंने बोला एक प्रॉपर स्केड्यूल हम लोग को कोचिंग जाने पर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर जब भी हम लोग कोचिंग जाते हैं ना, तो बच्चा उनके पास होता है कि मेरे पास अगर मान लेते हैं फिजिक्स की बात करते, तो फिजिक्स ये मेरा सब्जेक्ट है, यहाँ फिजिक्स इसके चैप्टर नंबर 1 में इतने लेक्चर्स लगेंगे, ये मेरी स्टार्टिंग डेट है, यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा इस चैप्टर का, ठीक है। इतने टेस्ट इसमें होंगे, ठीक है, इस पूरे इंटायर चैप्टर में। आप लोग को डीपीपी कितने मिलेंगे, यहाँ पर मॉड्यूल मिलेंगे, सारी चीज आप लोग के पास लिखी गई होती। अगर मैं बात करूँ कि आप लोग की पहली क्लास 7 बजे से स्टार्ट होती है, तो आप लोग किसी भी तरीके से झक मार के 7 बजे जाएंगे उठकर। बट अगर वही चीज आप लोग सेम चीज यूट्यूब से कर रहे होंगे, तो मैं बताऊँ उसमें सबसे पहले आप लोग का क्या मतलब बड़ा आप लोग का लॉस होगा। इंसान हम लोग के अंदर लेजीनेस बहुत ज्यादा भरी होती है, प्रोकास्टिनेशन होती है। अगर किसी दिन हम लोग रात को लेट सोते, तो हमने क्या सोचा कि यार 7 बजे का आज यूट्यूब पर लेक्चर लाइव होने वाला होगा, हम क्या सोचते कि वो लेक्चर तो वैसे भी रिकॉर्डेड हम देख लेंगे, तो यार 7 बजे मुझसे नहीं उठा जा रहा है, मैं उठूंगा 8 बजे या मैं उठूंगी 9 बजे, मैं 9 बजे भी तो उस लेक्चर को देख सकती हूँ। इंस्टीट्यूट ऑफ डेट कोचिंग में क्या होगा कि अगर मैं 7 बजे कोचिंग में नहीं पहुंचा, तो आज का लेक्चर मेरा छूट जाएगा। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं जहां पर हम लोग कोचिंग जाते हैं और जहां हम लोग सेल्फ स्टडी का सोचते हैं। अगर तुम सेल्फ स्टडी में इतने ज्यादा कंसिस्टेंट हो, इतने ज्यादा फोकस्ड हो, इतने ज्यादा डिटर्मिनेशन से कर रहे हो, तो बिल्कुल कर सकते हो। मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे जिन्होंने बिना कोचिंग बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्स क्रैक कर रखी है, और मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल्स देखे कि जिनको बिना कोचिंग कुछ भी नहीं करते बनता है। तो चॉइस इज टोटली योर्स। तुम लोग ने एक चीज, एक सवाल अपने मन में पूछा होगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर बायोलॉजी लेकर बैठे होंगे, ठीक है, क्लास 11th में बहुत सारे मैथ्स लेकर बैठे होंगे, कुछ कॉमर्स वाले होंगे और कुछ हमारे ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे ये वीडियो को देख रहे होंगे। नीट में हर साल 21 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, बट उस 21 लाख में तो सिर्फ सिलेक्शन कितना का होता है, सिर्फ और सिर्फ 50,000 या 60,000 बच्चों का सिलेक्शन हो रहा था। तो दीदी व्हाट अबाउट 20,50,000 स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहे होते हैं, उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा होता है? तो तुम लोग बोलोगे दीदी उनमें फोकस कम था, या उन्होंने बाद से पढ़ना स्टार्ट किया होगा, या फिर इतना ज्यादा अच्छे तरीके से उनके प्रिपरेशन नहीं होगी। सेम यही जवाब दोगे। चलो मान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, एटलीस्ट 5% बच्चे, या फिर मैं 5 लाख बच्चों की बात करूं, वो तो फोकस्ड होंगे अपने गोल को लेकर, पर उसमें से भी सिर्फ 50,000 या 60,000 का सिलेक्शन हो रहा है बच्चा पार्टी। तुम सोचो कंपटीशन कितना टफ है। अगर क्लास 11th में अभी भी नहीं पढ़ा, तो तुम क्या कर रहे हो? ये जो सिलेबस तुम अभी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, ये बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी आधा कर चुके होंगे, जो ऑलरेडी अपनी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ना, नीट जेई सब में आप लोग को 11th 12th का सिलेबस आता ही आता है। तो प्लीज यार ये मत सोचो ना कि ये नहीं करेंगे तो ठीक है, क्लास 12th अच्छे से पढ़ लेंगे, परसेंटेज अच्छे से आ जाएंगे, तो हम लोग बाकी कुछ हो जाए। 11th 12th बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप लोग चाहते हैं अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट करना बच्चा बड़ी, बट अगर आप लोग का कोई गोल है कि आप लोग को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, नीट देना है, जीडब्ल्यू देना है, आप लोगों का कुछ भी, तो मैं यही बोलूंगी आज से ही अभी से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। इस बार 21 लाख हुए, कल अगले बार 25 लाख भी हो सकते हैं। समझ में नहीं आता प्रिपरेशन हम लोग किस तरीके से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले यार उन गलतियों से सीखो कि जिन बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है, वो लोग गलत कंटेंट में फंस जाते हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारे नीट में कंटेंट ही क्या आता है, किस टाइप के क्वेश्चन हमारे नीट में आ रहा है, कहां से हमें लोगों को पढ़ना चाहिए। तो इस सभी चीजों के लिए बच्चा बाटी अगर आप लोग चाहे तो अर्जुना बैच में आज ही जाके इनरोल कर सकते हैं, जो कि आप लोग की क्लास 11th भी पूरी कंप्लीट करवा रहा होगा एंड साथ ही साथ आप लोग को नीट के लिए भी पूरी प्रिपरेशन करवा रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ही कम प्राइस में, इंडिया के लोएस्ट प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड करवा रहा है, सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स वाला। पीडब्ल्यू का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, हर किसी बच्चे के मुंह पे इसका नाम होता है। अगर आप लोग चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार जाके आप लोग फिजिक्स वाला की ऐप डाउनलोड कर लेना, पीडब्ल्यू, वहां जाके ये सारी चीजें आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ और सिर्फ क्लासेस ही
ही नहीं मिल रही होगी, आप लोग को मिल रहा होगा डीपीपी, मॉक टेस्ट, क्लास 11 के सारे सब्जेक्ट आप लोग के कवर हो रहे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी की कंप्लीट आप लोग को सभी कोर्सेस करवाया जाएगा। साथ ही साथ नीट के लिए भी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करवा दिया जाए। जो बच्चे इस साल नीट नहीं निकाल पाए, जो सिर्फ और सिर्फ 250 नंबर पर रुक गए और चाहते दीदी 650 नंबर पर कैसे जंप करे, तो यहाँ पर आप लोग के लिए लेकर आया है यकीन वे, जो कि इस बार अगर आप लोग चाहते हैं वापस से डॉक्टर बनना, 2024 में अपने आप को डॉक्टर बनते हुए देखना, तो यकीन बैच आप लोग का जरूर पूरा 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 साथ देगा और आप लोग को यहाँ से यहाँ बूस्ट करने की ताकत देगा। दीदी कैसे, सबसे पहली बात है कंटेंट, कंटेंट आप लोग को क्या पढ़ना चाहिए, किस टाइप का कंटेंट हमारा आता है वो आप लोग को ये टीचर्स बताएं। कि हर साल इन्होंने कम से कम 10,000 से 12,000 बच्चों को नीट और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भेजा है, तो उन्हें बहुत अच्छे से इतना एक्सपीरियंस है कि क्या क्या चीजें आती है। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहे तो 36 ईयर्स की ये बुक आप लोग के लिए आती है, जो कि फिजिक्स वालों के लिए भी आती है, इस तरीके से केमिस्ट्री की भी आती है, बायोलॉजी की भी अलग आती है। इसमें दीदी क्या है तो मैं आप लोग को बताती हूँ, इस बुक पे आप लोग के ऑल इंडिया नीट की और AIPMT के जितने भी 36 ईयर तक के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन मेंशन है। आप लोग के हर एक चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप लोग के मेंशन है विद सॉल्यूशन, के सॉल्यूशन एक्सपर्ट के द्वारा सभी सॉल्व किए गए, तो आप लोग बिल्कुल जाके सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहे आप लोग को यकीन बैच, ड्रॉपर बैच का हिस्सा बनना है या फिर अर्जुना बैच का हिस्सा बनना है और क्लास 11th सुधारनी और साथ ही साथ नीट भी सुधारना है अपना, तो आज ही जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करने के लिए सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इतने कम प्राइसेस पर भी आप लोग अगर मेरा कोड लगाएंगे SAK150 तो डायरेक्ट इंस्टेंट 150 रुपीज का आप लोग को डिस्काउंट हमें देखने को मिल जाएगा। तो मैं ये चाहूंगी कि बिल्कुल आप अपना सपना साकार करें और इंडिया के लोएस्ट प्राइस और क्वालिटी एजुकेशन के साथ। अच्छे लाखों रुपए ऑलरेडी वेस्ट करके बैठे, तुम अपने पैसे बचाओ और क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ो और अपना सपना साकार करो। साथ बच्चा बाटी, अब जो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक होती है ना, वो होती है हमारी टाइम मैनेजमेंट। दीदी टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, तुम्हारे पास देखो 24 घंटे दिन में, ठीक है, इनमें से अगर मैं बात करूं कि तुम 7 घंटे के सो जाते हो, कुछ बच्चे 8 घंटे सोते होंगे, तो अब से 7 घंटे ही सोना चालू करना। अब बात करते हो इसमें से 3 घंटे तो ये अदर एक्टिविटीज में मैंने तुम्हारे दे दिए, जैसे तुम्हारे नहाना धोना खाना पीना ये सारी चीजें चले गए। 7+3 यहाँ पर तुम्हारे पूरे 10 घंटे यहाँ पर आराम से चले गए। अब मैं बात करती हूँ तुम्हारे पास अगर मैं 10 घंटों को हटा दूं तो तुम्हारे पास 14 घंटे बचे हुए पूरे दिन के। इस 14 घंटे में तो तुम्हारी होती है स्कूल, तुम्हारी होती है कुछ क्लासेस, ट्यूशन क्लासेस या तुम सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो क्लासेस, तुम्हारी होती है सेल्फ स्टडी। अब इन सभी चीजों को डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो स्कूल में तुम्हारे 5 से 6 आवर्स चले जाते हैं, उसका होता है होमवर्क, हर बार 11th 12th में होमवर्क मिलता है, तो उसका 2 घंटे का होमवर्क तुमने करने में लगा दिया या फिर तुमने फेयर नोट बनाने में लगा दिए, 2 घंटे चले गए। बात करते तुम्हारी क्लासेस की, तो कुछ कोचिंग क्लास या तुम यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो उसमें तुम लोग को एटलीस्ट 5 से 6 घंटे लग रहे। ऐसे तुम लेक्चर देख रहे हो, अपने खुद से सेल्फ स्टडी नहीं कर रही है, तुमने सिर्फ सुना है, जहां भी तुम जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो या फिर यूट्यूब का लेक्चर देख रहे हो, ये तुम सुन रहे हो, ये ज्ञान सिर्फ तुम्हारे अंदर जा रहा है, तुम्हें पता नहीं इसमें से कितना तुम्हें आ रहा है, ठीक है। अब बताओ मुझे ये 6 घंटे यहाँ पर हो गए, यहाँ 6 घंटे हो गए, यहाँ 2 घंटे हो गए, 14 घंटे तुम यहाँ पर चले गए, मुझे बताओ सेल्फ स्टडी का तुम्हारे पास टाइम कहाँ बचा है। यही दिक्कत है जिसकी वजह से इंसान को सिर्फ और सिर्फ क्लास 11th में या तो फेल हो जाता है प्री बोर्ड में या फिर इतने गंदे मार्क्स आ रहे होते हैं किसी को बताने लायक भी वो नहीं बचता। मेरे क्लास 10th में 96% आए थे बट क्लास 11th में मेरे सिर्फ 72% आए थे। तुम सोच रहे हो मैं नहीं चाहती जो गलतियां मैंने करी है वो तुम भी करो और आखिरी में रिग्रेट को। मेरे समय पर कोई यूट्यूब नहीं था, कोई बताने वाला नहीं था कि शायद ये चीज कर लेना तो सकीना तुम बच जाओगी, पर तुम्हारे समय पर मैं हूं बचावाटी। मुझे कोई व्यूज से मतलब नहीं है बट मैं तुम लोग को एक सीरियसली रियलिटी बताना चाहती हूँ। जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो वहां एटलीस्ट प्रॉपर नोट्स बनाओ, जो तुम्हें पढ़ा रहे हैं टीचर अपने भाषा में शॉर्ट नोट्स लिखना चालू करो जिससे तुम्हें समझ में आता है। तुम दूसरी चीज आस्क डाउट, बच्चा अगर तुम लोग को लेक्चर देखते देखते कोई डाउट दिखाई दे रहा है, तुम ऑनलाइन जा रहे हो ऑफलाइन जा रहे हो व्हाट एवर, प्लीज उस टाइम पर अपने टीचर से पूछो, उनको रोके, डाउट पूछना तुम्हारा हक है। सीरियसली ये मत सोचो कि वो लड़का मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कि यार वो स्टूडेंट मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, कोई तुम्हें नहीं पहचानता, पहचानता भी है तो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर से मतलब होना चाहिए, उनसे मतलब नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर डर ही इतना होता है कि हम डाउट्स नहीं पूछ पाते। तुम पता है एक चीज याद रखना कि अगर तुम डाउट पूछ रहे हो ना तो तुम वहां बैठे आधे से ज्यादा बच्चों का भला कर रहे हो, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे भी उसी कारण डाउट नहीं पूछते कि यार शायद मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, लोग का क्या है कहना, लोग कुछ तो लोग कहेंगे, वो चीज याद रखो। तो तुमने उन सभी बच्चों की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी क्योंकि उनके मन में भी सेम डाउट था पर कोई पूछ नहीं रहा था और तुमने पूछ दिया, ठीक है। तो तुम्हारे साथ कितनों का भला कर रहे हो, डाउट पूछना सीखो और डाउट पूछ रहे हो तो शेम फील मत करो, तुम इंटेलिजेंट हो। मोर स्टडी मोर डाउट, लेस स्टडी लेस डाउट और नो स्टडी नो डाउट, ये वाला सीन होता है, ठीक है। अब बात अगर मैं बात करूं तो दीदी क्या करें, किस तरीके से टाइम मैनेज करें, ये स्कूल को मारो दो गोली। अगर बच्चा तुम डमी स्कूल कर रहे हो तो तुमने बहुत राइट डिसीजन लिया है, ये क्लास 11th 12th में तुम्हारे पास इनफ टाइम मिल जाएगा अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने के लिए।
अब नहीं दीदी डमी स्कूल क्या हो, रेगुलर स्टूडेंट है तो मैं क्या करूँ। तुम आधे से ज्यादा दिन छुट्टी मार सकते हो, अगर तुम्हारे स्कूल में अटेंडेंस का लोचा नहीं है तो तुम स्कूल में छुट्टी मार सकते हो ऑलरेडी। और अटेंडेंस का लोचा है तो फिर तुम लोग सोचो कि तुम्हें क्या करना है। अगर तुम स्कूल में इतने घंटे दे रहे हो तो या तो एजीडब्ल्यू में इतना टाइम मत गाओ, ये दो घंटे तुम सेल्फ स्टडी में लगा सकते हो। तो तुम होमवर्क के नाम पे दो दो घंटे सिर्फ रफ नोट से फेयर नोट में उतारने में लगा देते हो ना कि दीदी हम स्कूल में अच्छी राइटिंग में नहीं लिख के आते, ये सारी चीजें बंद कर देना। वो उम्र हमारी जा चुकी है फेयर नोट रफ नोट बनाने वाली, अब हमारी वो उम्र है कि हम एक कॉपी में सारी चीजें कर रहे हैं, बट हमें समझ में आना चाहिए कि हम कर क्या रहे। प्रॉपर नोट्स बनाने चालू करो जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। साथ ही साथ अब मैं रिसोर्सेज की बात करती हूँ कि तुम लोग को कहाँ से पढ़ना होगा। एक चीज याद रखो, 70% पेपर क्लास 11 का सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी में से आता है। एनसीईआरटी एक ऐसी राम बांडिलेज, मैं कोई बुक का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैं सीधी सीधी सच्ची सच्ची बातें बता रही हूँ तुम्हें क्या करना है। एक तो है एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी तुम ओल्ड एनसीईआरटी बुक भी रेफर कर सकते हो, जरूरी नहीं है न्यू एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रेफर करना। पर दीदी काफी चीजें रिलेटेड है, तुम्हारी दीदी ना सारी चीजें तुम्हें बता रखी, फिजिक्स हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, या इंग्लिश हो, या हिंदी हो, क्लास 11 के ऑलरेडी रिड्यूस सिलेबस मैंने पूरा बता रखा है। क्लास 11 की अगर तुम्हारे पास पुरानी बुक भी है ना, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी भी है, तो उसमें टिक मार्क करो कि ये चीजें नहीं आ रही, पेज नंबर के साथ बताएं, बस उसको जाके ये टिक मार्क करो, पढ़ना चालू कर दो। उन सभी की वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, प्लेलिस्ट की लिंक, सारे सब्जेक्ट की मिल जाएगी। ये एक मुसीबत खत्म, ठीक है। अब यार दीदी एनसीईआरटी तो पढ़ लेंगे, ठीक है, दूसरी बात होती है क्वेश्चंस कहां से करेंगे, क्योंकि हमें बहुत सारे एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट आते हैं, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पर जाया करो, ये काफी अच्छी बुक है, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कहीं भी ऑफलाइन में मिल जाएगी, कहीं से भी मंगवा लेंगे ना, अमेजोन वगैरह से। इसमें तुम्हें एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हमेशा मैं बोलती हूँ, क्योंकि इससे तुम लोग को एक आइडिया हो जाता है कि क्या किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर में से बनते हैं, और एमसीक्यू की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना जिससे कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज होगा। चलिए बात करते हैं, कंपटीशन काफी टफ है। अगर मुझे नहीं पता तुम लोग क्या कर रहे हो, जेई डबल ई करना चाहते हो, नीट करना चाहते हो, कोई बच्चा यहाँ सीए का होगा कि वो सीए फाउंडेशन वगैरह की एग्जाम देना चाहते हैं, ये सारी एग्जाम्स काफी टफ है, ठीक है। यूपीएससी देना चाहते हो आप लोग, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, काफी टफ है, कॉम्पिटिशन काफी टफ है। 10 लाख बच्चे अपियर होते हैं जेई में भी, पता है सिलेक्शन सिर्फ 10,000 का होता है, आधे तो पता है मेन्स के टाइम पे ही छट जाते हैं और आधे एडवांस के टाइम पर छट जाते हैं। 10,000 बच्चे में ऐसे होते हैं जिनको आईआईटीज वगैरह मिल पाता है। तो प्लीज अगर अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो अभी से स्टार्ट कर दो, एक कंसिस्टेंसी रखो अपने प्रिपरेशन में, और सारी चीजें तुम्हारे हाथ में होंगी, ठीक है, नेम फेम पैसा सब कुछ, बट कंसिस्टेंसी इज द की, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैंने तुम्हारे जिंदगी के 10-12 मिनट इसलिए लिए क्योंकि यार तुम लोग फिर 2 साल पछताओ ना, और बाद में ना बोलो कि शायद मेरे पास कोई होता जो मेरे 2 साल बचा पाता है, ठीक है। मैं नहीं चाहती यार कि तुम लोग का फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में हो, कि सारी चीजें मैंने तुम्हें रियलिटी बता दी, क्या क्या चीजें होती है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, चॉइसेस टोटल योर्स, कि अब तुम लोग को क्या करना है, उठो स्टडी करना चालू करो कंसिस्टेंट मैनर में, जब जाके कोई अच्छी एग्जाम क्रैक करके अच्छा कॉलेज मिलेगा और एक अच्छी सी प्लेसमेंट हम लोग के हाथ लग रही होगी, ठीक है। अच्छा वाड़ी, मैंने व्यूज के लिए नहीं बनाया, सारी रियलिटी बना दी, मुझे कोई मतलब नहीं है व्यूज से, ठीक है, पर मुझे तुम्हारे फ्यूचर से मतलब है, जो मेरे छोटे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं। शेयर करना चाहो तो बिल्कुल कर देना, जैसी भी लगी हो वीडियो पर कॉमेंट डाउन, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, दिस इज योर एजुकेटर सकीना अली साइनिंग।